लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहर नरसिम्हा और मेरे भाई कालीचरण से डरता है। शर्मा, इस गुंडागर्दी का मैं ही बेताज बादशाह हूं। ये सब क्या है? शर्मा जी जैसे बेगुनाह इंसान का खून दिन दहाड़े सरेआम बाजार में होता है, अखबार वाले इस बात को लेकर हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस राज्य का होम मिनिस्टर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? क्या आप कालीचरण के खौफ से आप लोगों के बाजू खोखले हो गए हैं? आखिर कब तक शर्मा जी जैसे इंसान के खून से इस शहर की जमीन लाल होती रहेगी? कब तक? सर, कालीचरण के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा, और फिर कालीचरण जैसे गुंडों को बड़े बड़े नेताओं की शह है। जी हाँ, हर गैर जिम्मेदार ऑफिसर के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि फला गुंडे को फला नेता की शह है। शर्म की बात है। आई एम सॉरी सर, आप हमें थोड़ा वक्त और दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कालीचरण को सबूत के साथ गिरफ्तार करके ही रहेंगे। मैं समझता हूं ऑफिसर्स, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए मैं शहर की दहशत को मिटाने के लिए कानून के एक ऐसे मुहाफिज को तैनात करूंगा जो कानून की आन के लिए अपनी जान भी दे सकता है, जो वर्दी की शान के लिए दोनों जहान से लड़ सकता है। सर, कौन है वो? कमिश्नर करण सिंह। ध्यान से सुनो, मेरे 10 की देते एक जीप और एक AK-47 नहीं थी तो मैं इस बच्ची को नीचे फेंक दूंगा, समझे? अरे वो जो आदमी मांग रहे हैं उसे दे दीजिए, मेरी बच्ची की जिंदगी बचा लीजिए, मत फेंको। सर, उस आदमी ने सिटीजन बैंक को लूट लिया है और एक बच्ची का सहारा लेकर एक जीप और AK-47 की मांग कर रहा है, और उसका कहना है कि अगर उसकी मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो बच्ची को नीचे फेंक देगा। मेरी बच्ची को बचाइए साहब, साहब मेरी बच्ची को बचाइए। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो, ठहरो। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ठहरो, बच्ची को फेंकना नहीं, जो मैंने कहा उसे जल्दी पूरा करो। अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो मैं इस बच्ची को जान से मार दूंगा। नो, जल्दी करो।
गुड्डी बहन क्या कर रही है लखन काका? नहीं साहब, वो तो दोस्तों के साथ पिकनिक पे गई है। सोए नहीं? घर की जवान लड़की रात गए तक घर से बाहर रहे तो घर वालों को नींद कहाँ आएगी? भैया, दोस्तों ने मजबूर किया था पिकनिक पर जाने के लिए, इसीलिए आपसे बिना बोले चली गई और आने में जरा सी देर हो गई। आई एम सॉरी भैया, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जरा सी देर हो गई, चलो खाना खाते हैं। भैया, ये प्लान जो है आर्किटेक्ट मिस्टर थापर ने बनाया है। इस पूरी जमीन के टुकड़े पर 10 करोड़ की लागत से सिनेमा घर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो फिर देर किस बात की है, भूमि पूजन का प्रबंध करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है भैया, ये साला बड़ा अड़ियल है, कहता है जब तक वो जिंदा है अपने पुरखों की जमीन किसी कीमत पे भी नहीं देगा। तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, भूमि पूजन कल ही होगा, जाओ जाकर तैयारी करो। हरि ओम गणानंदवा स्वाहा, प्रियानंदवा प्रियपदं स्वाहा, निधिनंदवा निधिपदं स्वाहा, गायत्री तिष्ठुप जगदनिष्ठुपंचा स्वाहा, देह द्विपदा जा चतुष्पदा स्वाहा, जा चकटपदा स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। रुको रुको, ये सब क्या हो रहा है? मेरी जमीन पर भूमि पूजन करने वाले आप लोग हो कौन? ठहरो ठहरो ठहरो। स्वाहा स्वाहा।
ये जमीन मेरी है, सुना तुम लोगों ने? इस जमीन का असली मालिक वो है मेरा भाई। ये मेरी जायदाद है, मैं इसका मालिक हूँ, वो इसका मालिक कैसे हो सकता है? तुम मालिक थे, अब ये जमीन तुम 5 लाख रुपए में हमें बेचोगे। साइन करो। क्या ये 5 करोड़ की जमीन मैं 5 लाख में बेच दूं? क्या मैं पागल हूँ? तुम्हारे बाप दादा ने ये जमीन चनों के भाव में खरीदी थी, मैं तो फिर भी तुम्हें 5 लाख दे रहा हूँ। चुपचाप साइन करो। ये सरासर अन्याय है, धोखा है, मैं हरगिज साइन नहीं करूंगा। अगर साइन करोगे तो जमीन हमारी होगी और जान तुम्हारी सलामत रहेगी। अगर साइन नहीं करोगे तो जमीन और जान दोनों से हाथ धो बैठोगे। मैंने कह दिया साइन नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। धीरे, पूजा डिस्टर्ब होती है। काहे की डिस्टर्ब? साइन करो। नहीं करूंगा। साइन करो। नहीं करूंगा। साइन करो। चलो। सर, यही लोग हैं सर जिन्होंने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया सर। ए, ए, क्या रही है? निकालो ये बोर्ड, निकालो। ए, हमारे कालीचरण भाई ने जमीन को खरीद लिया साहब। कालीचरण ने क्या किया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने से जमीन उसकी नहीं हो जाती। अभी तुम सबको अंदर करता हूँ और देखता हूँ कौन छुड़ाने आता है। ए, बकवास बंद कर। गिरफ्तार कर लो सबको। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जी। रजिस्ट्रार के ऑफिसर आइए। क्या बकते हो? कौन है ये पुलिस ऑफिसर? कौन है ये नया पुलिस ऑफिसर जिसने हमारे आदमी को गिरफ्तार किया है? जिस जमीन पर हमने पूजा करके अपना बोर्ड लगाया उस जमीन से उसने हमारा बोर्ड उखाड़ फेंका। हम उस कमबख्त का नाम इस दुनिया से उखाड़ फेंकेंगे। आप खामखा अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए भैया बाबू। मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन जाता हूँ, वो नए पुलिस ऑफिसर की पूरी कुंडली भी लाता हूँ और अपने आदमियों को भी छुड़ा कर लाता हूँ। जीवा, हमारे एरिया का दादा। चले चल, वो आप उनके छोकरे लोग को बंद किया ना, वो झिंगे लोग को छोड़ दे। चल, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तू नहीं छोड़ सकता? अबे ओ कानून के टिबले, इधर तू नहीं छोड़ेगा? रस्ते माहौल, कोई भी जाने ना पाए। हाँ मैं आ रहा हूँ। करण सिंह भाग तक कहाँ है पुस्तर? ए अफसर, मेरे भाई पर हाथ डालने की तेरी जरूरत कैसे हुई? यहाँ खाकी वर्दी का नहीं गुंडागर्दी का राज चलता है। वो राज भी मिटा दूंगा, गुंडागर्दी का ताज भी मिटा दूंगा। अफसर, हमारे इलाके में पुलिस का बारूद भी ठंडी आग बन जाता है। कानून के दुश्मनों को
मैं चिता की राख बना देता हूं। मेरे इस कदम को गुंडागर्दी के खिलाफ ऐलान जंग समझना कालीचरण, किस माई के लाल में हिम्मत है जो पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल सके? क्योंकि यह वर्दी महज सूत का धागा नहीं, हिंदुस्तान की इज्जत है। भाषण अच्छा है। पुलिस, गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स एक माला में पिरोए हुए मोतियों के समान है, जिस तरह से मियां बीवी और बच्चे में संबंध होता है। और इन तीनों में से किसी एक को कष्ट हो जाए तो एक दूसरे के हमदर्द बन जाते हैं। चंद नेताओं को जेब में रखकर तुम समझते हो कानून को अपने बटुए में बंद कर लोगे। तुम्हारी इस गुंडागर्दी को जनता के सामने मदारी का तमाशा बनाकर रख दूंगा। छोड़ दो नहीं। अपने आदमी से कहो हथियार फेंक दे। पुलिस को थप्पड़ मारने का जवाब क्या होता है अभी बताता हूं। हवालदार मिश्रा। यस सर। पुलिस की पावर क्या होती है बता दो। मैं? हाँ तुम। आज देखता हूं कालीचरण का कानून चलता है या इस देश का। मरत साले को। ले चलो जीवा। ए हरामजादो बंदूक लाओ, जल्दी करो। चल। जाते जाते एक मशवरा देना चाहता हूं कालीचरण जी, इसे अपने दिलो दिमाग में उतार लो तो अच्छा है। ये फर्जी जमीनों की मलकियत का जाल बिछाना छोड़ दो, वरना ये जमीनें जिस पर अपना राज कायम करना चाहते हो एक दिन तुम्हारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। समझ गए? किसी खास काम के लिए बुलाया है मुझे? मंत्री, तुम्हारे रहते कानून की काली परछाई हम पर पड़ने लगी है, ये कहने के लिए हमने बुलाया है। तुम्हारा मतलब कमिश्नर करण सिंह से है ना? देखो कालीचरण, होम मिनिस्टर के ऑर्डर पर ही करण सिंह को इस शहर में लाया गया है। तो फिर कोई ऐसा ऑर्डर पास करवा दो कि वो शहर से वापस चला जाए। देखो कालीचरण, जिस मकसद के लिए करण सिंह शहर में आता है उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं जाता। चिरकुट कहीं के, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तेरा मतलब है कि हमें वो बर्बाद करके वापस जाएगा? वो हमें वार्निंग दे रहा है और तू मम्मा कर रहा है? हमने तुझे मंत्री बनाया, लाखों रुपया तुझ पर खर्च किया है, इलेक्शन जिताने के लिए खून खराबे किए, वो हमें मिटाने की बात कर रहा है और तू यहाँ बैठ के बगले झांक रहा है? 24 घंटे के अंदर उस अफसर का तबादला हो जाना चाहिए। क्या क्या देख रहा है? चल निकल ले। क्या हुआ? कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच। अबे चल। दीपा, दीपा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, कॉकरोच चला गया। देखो देखो, नहीं है। तुम्हारा भी कमाल है दीपा, एक मामूली से कॉकरोच से डर गई तुम। कॉकरोच से मुझे बहुत डर लगता है। मजाक नहीं दीपा, अगर तुम्हें करीब बुलाने का यही एक तरीका है तो हम अपनी सुहाग रात पर अपने पलंग को फूलों की बजाय कॉकरोचों से सजाएंगे। क्यों? ताकि तुम उससे दूर ही ना जाओ। गुड आइडिया ना? क्या बात है दीपा। कॉकरोच, कॉकरोच। गुड डे। ये कौन है? मैं पूछता हूं कौन है ये? विजय। कौन विजय? एक जर्नलिस्ट है
बहुत अच्छा लड़का है। ये अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें कब से होने लगी? भैया अगर आप पुलिस ऑफिसर की तरह मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, मगर इतना जरूर कहूंगी कि आपकी बहन को आपकी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मुझे आपके सामने आने में शर्म आए। ठीक है, कल इसे कहो मुझसे आकर मिले। गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है तुम्हारा? ये तो आप जानते ही होंगे कि मेरा नाम विजय है। क्या काम करते हो? ये भी आप जानते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। उड्डी ने बताया होगा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वेल सर, आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है, मैं गुड्डी से बेहद प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं। मिस्टर विजय, तुम हाथ में सच्चाई की कलम लेकर चलते हो और तुम्हारे पीछे हजार दुश्मन तलवार लेकर चलते हैं। जरा सोचो, तुम्हें कभी कुछ हो गया तो मेरी बहन का क्या होगा? आप भी तो एक दिलेर ऑफिसर हैं, गली गली में आपके चर्चे हैं। आपने कभी सोचा है, भगवान ना करे अगर आपको कभी कुछ हो जाए तो आपकी बहन का क्या हश्र होगा? सच्चाई और फर्ज की खातिर होने वालों की कुर्बानी जाया नहीं जाती सर, और फिर मौत और जिंदगी की लकीर तो पैदा होते ही ऊपर वाला लिख देता है, इसलिए परेशान होने की क्या जरूरत है सर? मैं जानता हूं मिस्टर, मुकद्दर ऊपर वाला लिखता है, मगर तुम जानबूझकर अपनी जिंदगी मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हो? देखो, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें यह जर्नलिज्म छोड़ना पड़ेगा। सर, जितना मैं आपकी बहन से प्यार करता हूं उससे हजार गुना ज्यादा मैं अपने पेशे जर्नलिज्म से प्यार करता हूं। ठीक है मिस्टर विजय, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर गुड्डी को भूल जाओ। ठीक है सर, मैं भी आपकी तरह जीना सीख लूंगा। मेरी तरह? What do you mean? हाँ सर, मैं जानता हूं आपकी पत्नी का निधन एक हवाई दुर्घटना में हुआ था, मगर आज तक आप उनके प्यार को नहीं भुला पाए और ना ही आपने दूसरी शादी की। इसी तरह मैं भी गुड्डी को कभी नहीं भुला पाऊंगा और ना ही किसी दूसरी लड़के से शादी करूंगा। बाकी फैसला आपके हाथ में है। गुड बाय सर। क्या हुआ भैया, ने क्या फैसला किया? मैं बताता हूं गुड्डी क्या फैसला किया। लड़का खूबसूरत तो है लेकिन इसमें एक बुराई है, ये अपने फर्ज की खातिर जान भी दे सकता है, इसलिए हमें बहुत पसंद है और हम ये रिश्ता मंजूर करते हैं। थैंक यू भैया। नमस्कार। एक मुख्य समाचार। कश्मीर की सरहद पर गड़बड़ी के कारण देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए सारे मिलिट्री ऑफिसरों को तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सरकारी आदेश दिए जाते हैं। दीपा, सोचा था गांव जाकर मां से हमारी शादी की बात करूंगा, मगर अचानक सरहद से बुलावा आ गया है, मुझे जाना पड़ रहा है। तुम्हें दुख हो रहा है? नहीं, मैं सोच रही हूं मुझ जैसी अनाथ लड़की को तुमने इतना प्यार दिया, इतनी खुशियां दी, मुझे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर लिया, मुझे तो गर्व है
कि मैं एक देश के सिपाही की होने वाली पत्नी हूं। निकालो 100-100 की दो कड़क लंबी नोटें निकालो, नहीं तो डंडा घुमा दूंगा। डंडा घुमा घुमा मत, लग गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये ले 100 की पत्ती और निकल ले यहाँ से। ले दादाई। नहीं नहीं, इस हाथ से नहीं भैया, असीम दोषी। चल बगाड़, निकल निकल बेटो निकल। गुरु, मैंने एक बात नोट की है कि तुम रिश्वत हमेशा लेफ्ट हैंड से लेते हो, राइट हैंड से क्यों नहीं? अरे राइट हैंड मैंने मेरी माँ के सर पे रखा था और कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लूंगा, इसीलिए रिश्वत राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से लेता हूँ। गुरु, कहीं ऐसा ना हो क्या? ये उल्टा हाथ तुमको एक दिन ऐसा उल्टा कर दे कि सीधा होना मुश्किल हो जाए। जी, हाथ तोड़ दूंगा। चलो साला, 100-100 की दो पत्ती ले गया है। तू घबरा नहीं कटोरी, आज तक इसने जितना खाया है ना, ब्याज के साथ इसके घर जाके वसूल करेंगे। हाँ हाँ, झकास। हाँ हाँ, आई आई। मिश्रा जी हैं? नहीं, वो तो ड्यूटी पे गए हैं पुलिस स्टेशन। अजी, इसीलिए तो हम घर आए हैं। हाँ, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, ये मेरे मामा का घर है, हम लोग यहाँ भाड़े पे रहते हैं। लेकिन आप लोगों की तारीफ। बंदे को हर्षद मेहता कहते हैं और अपन को किरण बेदी कहते हैं। किरण बेदी? ओ हो हो, इतने महान लोग मेरे घर पे आए हैं, प्लीज बैठिए 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 ना। प्लीज। हेलो पार्वती, देख मेरी घड़ी, मैं बाथरूम में भूल गया हूँ, जरा संभाल के रख लेना। ए, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। अच्छा अच्छा। मोहतरमा, लगता है आपके पति देव बाथरूम में घड़ी भूल गए हैं। अरे घड़ी क्या, वो तो अपनी सोने की चेन और अंगूठी भी भूल गए हैं। भुलक्कड़ हैं बिल्कुल। हाँ अच्छा, लाओ अपन को दे दे, हम उनको दे देंगे। आप मेरे पति की चीजें ले जाएंगी? आप इतनी बड़ी ऑफिसर होकर मेरे पति की चीजें ले जाएंगी? आप ग्रेट है किरण जी, आप ग्रेट है। मैं अभी लेकर आती हूँ। लगता है तुम्हारा हमारा टाइम अच्छा चल रहा है मटके वाली। ये लीजिए, ये उनकी घड़ी, ये चेन और अंगूठी। वेरी गुड। अच्छा तो अपन चलते हैं। कालीचरण, तुम यहाँ क्यों? मेरे यहाँ आने पर कोई पाबंदी है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम इस वक्त काल और कालीचरण के पहुंचने का कोई वक्त नहीं होता मंत्री। उस अफसर की मौजूदगी रात भर में कांटे की तरह चुभती रही। वो तो सब ठीक है कालीचरण, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, कुछ ही देर में प्रेस वाले आने वाले हैं। आए दिन अखबारों में ये छप रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता है, और अगर इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ किसी ने देख लिया तो कल के अखबारों में हेडलाइन बन जाएगी। मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है मंत्री, मुझे उस अफसर के तबादले का लेटर चाहिए। देखो कालीचरण, ये मेरे लिए नामुमकिन है। मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कालीचरण, बहुत नाच चुका हूं तुम्हारे इशारों पर कठपुतली बनकर। चले जाओ यहां से। सरकारी बंगले में तेरी आवाज बहुत गूंजने लगी है मंत्री, तूने मुझसे कहा है कि मैं चला जाऊं। हाँ हाँ, तुमसे तुमसे इज्जत के साथ यहां से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलवा कर बाहर निकलवा दूंगा। राम सिंह, राम सिंह, इस आदमी को बाहर निकाल दो। मैं कहता हूं इस आदमी को बाहर निकाल दो। अबे चिरकुट, ये तनख्वाह सरकार की लेते हैं मगर हुक्म मेरा बजाते हैं। मैं करण सिंह को फोन करता हूं।
जानते हो तुम ये कौन है? मालूम है, ये उस गुंडे की तस्वीर है जिसने मंत्री का खून उन्हीं के घर में किया था। करेक्ट। देखो विजय, सारा शहर जानता है कि ये गुंडा राज का बादशाह है। इसके खिलाफ कोई भी पत्रकार छापना नहीं चाहता। अगर ये तस्वीर हम छापते हैं तो ये क्या मेरा सर्वनाश नहीं करेगा? शर्मा जी, आप इतना डरते क्यों हैं? आंखों देखा हाल कलम से लिखकर अखबार तक पहुंचाना उसे जर्नलिज्म कहते हैं। अरे ऐसे बड़े बड़े तुर्रम खाओं को जनता के सामने लाकर उनको बेनकाब करने की ताकत सिर्फ जर्नलिज्म में होती है। शर्मा जी, आप इस तस्वीर को छापिए और इस आदमी के काले कारनामों को जनता के सामने लाइए। विजय, इस तस्वीर को छापकर मैं अपनी प्रेस बंद करना नहीं चाहता। अगर उसे यह पता चल गया कि तुमने ये तस्वीर खींचकर मुझे दिखाई है तो मुझे और मेरी प्रेस दोनों को आग लगा देगा, समझे तुम? आज से हमारा तुम्हारा संबंध बिल्कुल नहीं। Now you are dismissed and get out. जाऊंगा सर, जरूर जाऊंगा। अगर आप ये तस्वीर नहीं छापेंगे तो कोई बात नहीं, मैं कोई और अखबार में छपवा दूंगा। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, माना कि बंदूक और तलवार में बहुत दम है, लेकिन कलम और कलम की आवाज हजारों बंदूकों और लाखों तलवारों पर भारी है। सर, जर्नलिस्ट मर सकता है, जर्नलिज्म नहीं। गुड बाय। समझ गए। छोटे जी भैया, अगर तुम उस कालीचरण का फोटो अखबार में नहीं देते तो अच्छा होता। क्यों, तुम डरती हो? ये 2% के क्रिमिनल मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? ऐसी बात नहीं है विजय, वो लोग इस शहर के बहुत खतरनाक गुंडे हैं। पूरे शहर में उनकी गुंडागर्दी का सिक्का चलता है। उनसे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है विजय। तुमने वो फोटोग्राफ्स भैया को ले जाकर क्यों नहीं दिए? मैं यही सोचकर गया था, लेकिन भैया वहां थे नहीं। मैं किसी और को ये फोटो नहीं देना चाहता था क्योंकि कालीचरण से तो सभी डरते हैं, इसलिए फोटो मैं खुद प्रेस में देने गया था। विजय प्लीज, मेरी खातिर एक बार फिर फोन करके पता कर लो, शायद भैया वापस आ गए हों। देखो गुड्डी, यहां अगर तुम इतना डरने लगोगी तो मुझे डर है कि हमारा ये आने वाला नया मेहमान कहीं डरपोक पैदा ना हो जाए। ओए, मुझे शेर जैसा बेटा चाहिए। ओके। हेलो सर, मैं सूर्या प्रेस से बोल रहा हूँ। कालीचरण की खबर छापने के कारण नरसिम्हा ने अपने आदमियों के साथ प्रेस में घुसकर पेपर के साथ साथ प्रेस को भी जला दिया। सर क्या हुआ विजय? प्रेस में किसी ने आग लगा दी है। मैं भी आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ओके? लेकिन विजय, हेलो, मैं गुड्डी बोल रही हूँ, करण भैया है वहाँ? प्रेस रिपोर्टर, तेरी प्रेस चलने की खबर तो तुझे मिली गई होगी ना, वो नेगेटिव्स हमारे हवाले कर दे। प्रेस जला देने से सच्चाई नहीं जल जाती, मैं वो नेगेटिव तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। जिद मत कर लौटे, वरना इस घर के साथ साथ तुझे जला दूंगा। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, इस देश में पुलिस भी है और कानून भी, मैं इसे जेल भिजवा के ही रहूंगा। छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ।
इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। इतने बहादुर पुलिस वाले की बहन और हमारे चरणों में अच्छा नहीं लगता ना। भैया, एक गर्भवती औरत को नीचे बैठने में बहुत तकलीफ होती होगी। उठो, उठो। सुनो, अपने पति को बचाना चाहती हो? मेरे पति को छोड़ दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, उन्हें छोड़ दीजिए। जब तक तुम्हारा पति हमारे वो नेगेटिव्स वापस नहीं दे देता, तुम उठक बैठक करोगी। हाँ, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो शुरू हो जाओ। नहीं गुड्डी, नहीं, इन कुत्तों का कहना मत मानो, तुम्हें हमारे बच्चे के कदम है। नहीं गुड्डी, नहीं, नहीं विजय, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसा मत करना गुड्डी। छोटे मान गया वो, छोड़ दे उसको। गुड्डे, ये तुमने क्या किया? गुड्डे, गुड्डे, ए नेगेटिव्स कहाँ हैं? अंदर है, देता हूँ। गुड्डे, 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 नेगेटिव्स कहाँ हैं? कमाल कैसे? देता हूँ, चलो। अच्छा, अच्छा, वो आजा, 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 आराम से, ऐसे। Thank you.
आते ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी और बड़बड़ाने लगी। तुम्हारा बदन भी तप रहा था, इसीलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। क्या हुआ मुझे डॉक्टर, प्लीज बताइए ना। घबराने की कोई बात नहीं, मैं सब बताता हूँ। तुम पहले चाय पी। क्या हुआ था तुम्हें दीपा? हेल्प मी सेव मी करके तुम नींद में क्यों बड़बड़ा रही थी? नो, प्लीज डॉक्टर, ये सब मुझसे मत पूछिए। मतलब अभी तक तुम्हारे दिल से डर नहीं गया? ना बोलना ही ठीक होगा, समझ गई हूँ। देखो दीपा, कभी कभार ज्यादा सोचने से दिमाग की रगों पर टेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मन घबराने लगता है। अगर तुम अपने मन की बात किसी को बताओगी तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा। क्या हुआ था बताओ मुझे। बताती हूँ डॉक्टर साहब, बताती हूँ। पुराने वाले मंदिर के सामने कल रात मैंने एक ऐसा मर्डर देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। क्या कह रहे हो तुम डॉक्टर? हाँ करण, उस रात मैंने एक लड़की का ट्रीटमेंट किया था, वो बहुत घबराई हुई थी, कह रही थी उसने एक मर्डर देखा है। कहाँ देखा था? पुराने मंदिर के पास वाली सड़क पर। पुराने मंदिर, उसी सड़क पर तो मेरी बहन और बहनों का कत्ल हुआ था। वो लड़की कहाँ रहती है? इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है, नाम है दीपा। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मिस दीपा, जुर्म करने वाले से जुर्म छुपाने वाला बड़ा मुजरिम होता है, इसलिए हमारी नजरों में तुम एक मुजरिम हो, क्योंकि तुमने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सर, मैं एक अनाथ मजबूर लड़की हूँ, बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करके एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती हूँ। अगर मैं उस मर्डर की गवाह बनकर पुलिस स्टेशन जाती तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाती और मेरी नौकरी चली जाती, तब कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आकर मुझे दो वक्त की रोटी नहीं देता। सर, नहीं देता। दो वक्त की रोटी की फिक्र में तुमने कत्ल के इतने बड़े जुर्म पर पर्दा डाल दिया। आप तो जानते ही हैं, इस शहर में जहाँ गुंडों का राज चलता है, गुंडागर्दी का बोलबाला है, ऐसे शहर में जान जोखिम में डालकर पराई आग में कौन अपना हाथ जलाएगा? सर, यह जुर्म भी एक आग है, अगर तुम्हारी तरह हर शहरी इस आग से दामन बचाता रहा तो यह आग एक दिन इस शहर को, इस देश को भी जला देगी। जरा सोचो, अगर ऐसा ही हादसा तुम्हारे घर के किसी मेंबर के साथ पेश आया होता तो तुम चुप रहती, पुलिस स्टेशन नहीं जाती? क्या तुम इंसाफ नहीं मांगती? तुम्हारे तन बदन में आग नहीं लग जाती? इस अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती? आप जो बोल रहे हैं सब ठीक है, मगर मैं सच बोलूंगी तो वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखो दीपा, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है,
पर तुम भी तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं इस केस को सुलझा नहीं सकूंगा। प्लीज प्लीज हेल्प मी। इस फाइल में चंद मुजरिमों की तस्वीरें हैं, जरा पहचान के बताओ इनमें कोई विजय का कातिल है। देखो मैंने वादा किया है मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इनमें से कोई भी नहीं है। देखो दीपा, विजय मर्डर केस की चश्मदीद गवाह तुम हो, इसलिए जब भी कातिल की शनाख्त के लिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाऊं तो आ जाना। जी। भैया उस कमिश्नर ने हमारा जीना हराम कर दिया। जिस दिन उसको हमारे खिलाफ सबूत मिल गया वो हम लोगों के नाप की हथकड़ियां बनवा देगा। अब तो उसे दीपा जैसा चश्मदीद गवाह मिल गया है, अब हम लोग कानून की नजरों में ज्यादा दिन धूल नहीं झोंक सकते। कमिश्नर वैसे भी हमारे खून का प्यासा है। भैया मैं तो कहता हूँ कि मैं दीपा को खत्म कर दूं। इधर आ छोटे, छोटा सा दिमाग है ना, ये बड़ी बड़ी परेशानियों को ऐसे मिटा देता है जैसे पेंसिल से लिखे हुए को रबर। बैठ जाए इधर। अरे भाई गाड़ी बीच सड़क में क्यों रोक दी? आए दर्द, आए की करा, आए की हो गया, आए वो क्या हुआ साहब? कार के डैशबोर्ड में मारी टैबलेट पड़ी है, मेरे दिल का दौरा पड़ा है। मारी टैबलेट, दर्द। क्या हुआ उन्हें? हार्ट पेशेंट है मैडम, हार्ट अटैक आया इन्हें। अरे 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 टैबलेट। अरे टैबलेट डैशबोर्ड पे। इसमें टैबलेट नहीं है। मारी मदद कीजिए प्लीज, मने हॉस्पिटल ले चलो, मने दिल का दौरा पड़ा है, मने हॉस्पिटल ले चलो प्लीज प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। मैडम थोड़ी मदद कीजिए, मैं इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दें फिर हम चलेंगे। ठीक है चलो। मैडम आपको डॉक्टर बुला रही हैं। डॉक्टर अब इनकी तबीयत कैसी है? ऐसी हालत में इन्हें बेड से उठने की भी इजाजत नहीं है, मगर यह है कि बाहर जाने की जिद कर रहे हैं, ऐसे में इनकी जान को खतरा हो सकता है। देश के वास्ते अगर मारी जान भी चली जाए तो मने परवाह नहीं, मैं अभी जाना चाहूँ। जब डॉक्टर बाहर जाने से मना कर रही है तो आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? मने अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है, मैं ये ब्रीफकेस वहाँ पहुँचाना चाहूँ। अगर ये ब्रीफकेस पहुँचाना इतना ही जरूरी है तो इनके हाथों भिजवा दीजिए। क्या मेरे हाथों? यस, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। आगे आपकी मर्जी, फैसला आपके हाथों में है। पर डॉक्टर एक्सक्यूज मी, देवी बनके तुमने हमारी जान बचाई है, अब ये ब्रीफकेस एयरपोर्ट तक पहुंचा के थोड़ा पुण्य कमा लो। लेकिन मैं थारे भाई जैसा हूँ, मारा नाम हेमंत शर्मा है, मैं होम मिनिस्टर साहब का पीए हूँ। इस ब्रीफकेस में देश की सुरक्षा से संबंधित बहुत जरूरी फाइलें हैं जिन्हें होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह तक ना करता हो, क्या मैं उसकी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती? मैं इसे पहुंचा दूंगी, लाइए। थैंक यू बहन जी। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा।
गॉड ब्लेस यू। हेलो, एक लड़की 15 मिनट के अंदर हवाई अड्डे पर होम मिनिस्टर साहब का कत्ल करने के लिए ब्रीफ केस में बम डालकर पहुंचेगी। अगर आप लोग मुस्तैदी दिखाएं, तो मंत्री जी बच सकते हैं। आप कौन? नमस्ते 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 नमस्ते। अरे रुके, कहाँ जा रही है? मुझे होम मिनिस्टर साहब से मिलना है। बगैर परमिशन के होम मिनिस्टर साहब से कोई नहीं मिल सकता। लेकिन ये बैग उन्हें देना है, प्लीज सर प्लीज। क्या हो रहा है ये बैग होम मिनिस्टर साहब तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। लाओ मुझे दो, मैं दे देता हूँ। ये क्या हुआ सर? एक लड़की आपको बम से उड़ाने का प्लान बनाकर आई थी, मगर इस ब्लास्ट में हमारा एक सुरक्षा अधिकारी मारा गया। कौन है वो जो होम मिनिस्टर साहब को जान से मारना चाहता है? तुम सब जानती हो, बताओ बताओ। मैं सच कह रही हूँ सर, एक आदमी ने होम मिनिस्टर का पीए बनकर मुझे बातों में फुसला कर एयरपोर्ट भेजा था। उन लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सच कह रही हूँ सर, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, सच कहे वो बोलो। स्टॉप इट सर, आप मैं कहता हूँ बंद करो पानी। सर प्लीज, बोलो। मगर सर Well, what I said. Okay, sir. सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखिए सर, देखिए, ये कहते हैं मेरा उन गुंडों से ताल्लुक है। सचमुच मैं उन लोगों को नहीं जानती। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। सर, इसने मेरे सामने सिक्योरिटी ऑफिसर को बम वाला ब्रीफकेस दिया था। उस ऑफिसर की बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो गई सर। असल में ये होम मिनिस्टर की हत्या करने आई थी। नहीं, नहीं, मैं किसी की हत्या करने नहीं गई थी। मेरा विश्वास कीजिए, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर आप इसके आंसुओं पर मत जाइए, अगर आप परमिशन दें तो। यार एक मिनट मुझे बात करने दो। सुनो दीपा, तुम जो भी जानती हो उस ब्रीफ केस के बारे में, उन गुंडों के बारे में मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। बताती हूँ दीपा, तुम मुझे उस आदमी से मिलवा सकती हो जिसने तुम्हें ब्रीफकेस दिया था? जी सर। कहाँ रहता है वो? नेशनल हॉस्पिटल। Yes? कल इसी रूम में मैंने होम मिनिस्टर के पीए हेमंत शर्मा को एडमिट कराया था, वो कहाँ है? सॉरी मैडम, ये मरीज तो पिछले एक महीने से इसी बेड पर है, इस बेड पर से हिला भी नहीं। एक्सक्यूज मी, कल मैंने होम मिनिस्टर के पीए हेमंत शर्मा को इंटेंसिव केयर में एडमिट कराया था, अभी वो कौन से वार्ड में है प्लीज?
आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ। नो नो सर, ये झूठ बोल रही है। इसी अस्पताल में मैंने उसे एडमिट कराया था, उसी ने मुझे ब्रीफकेस भी दिया था, वहाँ लेडी डॉक्टर शीला भी मौजूद थी। सर ये कोई साजिश है सर, कोई मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई खेल खेल रहा है। मिनिस्टर का पीए, हार्ट पेशेंट, लेडी डॉक्टर शीला, तुम हमारे साथ खेल खेल रही हो, कानून की आंखों में धूल झोंक रही हो, ड्रामा कर रही हो, कहानी बना रही हो, कहानी। सर अब सर ये झूठ बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, इंस्पेक्टर इसे पुलिस स्टेशन ले आओ। यस सर। सर मेरे पास चल चल, तुझे पुलिस स्टेशन में बताता हूँ, चल चल। अगर तुम निर्दोष हो तो सच सच बताओ, असलियत क्या है? तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है या तुम्हारे घर के किसी मेंबर को किडनैप किया गया या फिर तुम्हें कोई मौत की धमकी दे रहा है? Come on, tell me the truth. सर, उस हॉस्पिटल में। Shut up! You liar! तुम्हारी मन घड़त कहानियां सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूं। अच्छा हुआ हमें सही वक्त पर इत्तला मिल गई और हमने होम मिनिस्टर को बचा लिया और तुम रंगे हाथों पकड़ी गई। देखो आज तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा कि तुम्हारा ताल्लुक उस गिरोह के साथ है। यह रहा तुम्हारा कन्फेशन, दस्तखत करो इस पर, चलो। I say sign it. No! 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 Order! Order! कमिश्नर करण सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक और इंस्पेक्टर अशोक की गवाही के आधार पर अदालत मुलजिमा दीपा को होम मिनिस्टर की हत्या करने की कोशिश के जुर्म में एक गुनहगार ठहराती है, क्योंकि मुलजिमा दीपा के हाथों दिए गए ब्रीफ केस में मौजूदा बम के फटने से एक सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या भी हुई है। लिहाजा ये अदालत दीपा को उम्र कैद की सजा करार देती है। नो, 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 जता, नो, जता, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मेरे यकीन मारी, भैया दीपा ने अगर जेल में रहकर हम दोनों के खिलाफ जबान खोली तो क्या होम मिनिस्टर के कत्ल करने की साजिश में वो मुजरिम बन गई है? दुनिया की कौन सी अदालत मुजरिम की बात मानेगी? तू चिंता मत कर। करती है देखते सही, इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। हाँ चलो खाने का वक्त हो गया है, अगर टाइम पर नहीं गए तो साली वार्डन भूखा मारेगी। चल रही सजनी, क्या सोच रही है? उसके लिए डिस्काउंट ठीक है, हमें तो जी। क्या है? वो आई है। कौन वो? किरण बेदी।
किरण बेदी? हाँ हाँ वही किरण बेदी जो हमारे घर आई और सब कुछ लूट कर चले गई। कहाँ है वो? हमारे पीछे ही है। हमारे पीछे ही है? हाँ। उसने तुम्हें देखा है? नहीं। उसने मुझे देखा है? नहीं। अच्छा पीछे मत देखो, अगर वो तुम्हें पहचान जाएगी तो भाग जाएगी यहाँ से। हाँ, अब क्या करें? अभी भी वो हमारे पीछे है। पीछे मत देखना। है। तो पहलवान मेरा मतलब है भाग्यवान, मेरा हाथ छोड़ो और खसक लो। मैं हीरो की तरह टर्न करता हूँ और उस पर लपक पड़ता हूँ। ओके। जो सामान आपको चाहिए वो गोदाम में है, आप वहीं जाकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है। गोडाउन में जा रही है? अब तू बचकर नहीं जा सकेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। गई अंदर गई, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। कैसे हैं आप? ये डॉक्टर साहब, ये तड़तड़ तड़तड़ आवाज कैसी? आपके हाथ की सारी हड्डियां टूट गई हैं। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओह, कितने पैसे लगेंगे? 50,000। अच्छा अच्छा 50,000? अरे 50,000 में हाथ का ऑपरेशन क्यों करवाऊं? हार्ट का ऑपरेशन ना करवाऊं? अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आपका ये बायां हाथ बेकार हो जाएगा। अरे हो जाने दो इसे बेकार, वैसे ये हाथ ही बेकार है। दायां हाथ जो है वो अच्छा हाथ है, सारे अच्छे काम ये हाथ करता है। बायां जो है वो तो जब डब्बा लेकर जाते हैं ना तब काम आता है। मुझे नहीं करवाना है ऑपरेशन। तो ठीक है, सोच लीजिए। हाँ हाँ। अरे मूर्ख, आज मैं बेकार हो गया हूँ इसलिए तू मेरा इलाज नहीं करवाएगा। मैं वो हाथ हूँ जो सिर्फ डब्बा ले जाने के वक्त काम आता हूँ। अगर मैंने तुझे ठीक नहीं किया तो मैं भी पाया नहीं। हाथ बात कर रहा है मुझसे? नहीं नहीं ये तो मेरा भ्रम है, भ्रम भ्रम। ठीक हो जाओगे डार्लिंग। बहुत प्यास लगी है। चलो उठो पानी के। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इस बार हाथ ने किया है। झूठ बोल रहे हो तुम? ये मेरा हाथ मेरे काबू में नहीं है। अभी अभी तुमने उस हाथ से मुझे मारा। मैंने नहीं मारा यार, तुमने मुझे फिर मारा। तुम इसी लायक हो कि तुम्हें मारा जाए। वहाँ उन लड़कियों ने तुम्हें मारा, यहाँ मैं मारूंगी। देखो चिलबुली, हम पांच हैं लेडीज पांडवों की तरह। अगर तुम कहा मानोगी तो आप उनके साथ सुखी रहोगी। एक काम कर, मेरा बदन बहुत दुख रहा है, जरा दबा दे। नहीं तो मेरा पांव दबा दे। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग सो जाओ। सो जाएंगे मगर तुझे मजा चखाने के बाद। क्योरी हमारी बात नहीं मानेगी? जो कल छुपाई थी ना वो कैची ला। Yeah!
नरसिम्हा। Come on, darling. तुम भी आ जाओ। खामोश, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगी। क्या करोगी? मैं अभी जाकर कमिश्नर करण को बता दूंगी उस बम ब्लास्ट के पीछे तुम्हारा हाथ था और दीपा निर्दोष है। ऐसा करोगी तुम, लेकिन तुम यहां से जा सकोगी तब ना। हेलो, करण सिंह स्पीकिंग। सर, मेरा नाम शीला है। कल हॉस्पिटल में डॉक्टर बनकर मैंने ही ड्रामा किया था सर। दीपा निर्दोष है। वो सब नरसिम्हा की चाल थी। दीपा सचमुच बेकसूर है। मैंने वो सब पैसे के लिए किया था। अभी मैं बहुत मुसीबत में हूँ सर, मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। हो कहाँ तुम इस वक्त? मैं जुहू के एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से बोल रही हूँ सर। भैया अफसर, किस जुर्म मेरे भाई को हथकड़ी लगा रहे हो? इसने शीला का कत्ल किया है, उसी जुर्म में इसे गिरफ्तार कर रहा हूं। तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है? इसकी जरूरत नहीं, शीला ने मुझे खुद फोन पर बताया है, ये उसका कत्ल करने वाला है। करने वाला है, किया तो नहीं? देख अफसर, कानून मैं भी जानता हूं, तुम इसको छोड़ दो वरना यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे। कोई भी हरकत की तो इसे गोली मार दूंगा और इसकी लाश को घसीटता हुआ साथ ले जाऊंगा। अफसर चुप। अब कोई सफाई पेश करनी हो तो कल अदालत में आ जाना। चल। तमाम सबूत, गवाह और बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत नरसिम्हा को शीला का कातिल करार देते हुए ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत। ठहरिए जज साहब, ठहरिए। कौन हो तुम? मैं शीला का हस्बैंड जॉन डिसूजा। जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहो। नमस्ते योर ऑनर, हमारा वाइफ शीला आउटलाइन में हो गया था, नरसिम्हा से उसका मेल जोल बहुत बढ़ गया था, हमने उसको बहुत समझाया, बहुत मना किया, पर वो माना नहीं, अब हमारा खोपड़ी सटक गया, हम जीप लेकर उसको उड़ा दिया, हम उसका मर्डर किया जज साहब, हमारा वाइफ शीला का मर्डर हम किया जज साहब। ये झूठ बोल रहा है सर, देख क्या है ये, नरसिम्हा उसके आदमी ने खरीद लिया इसे। जॉन डिसूजा के बयानात के अनुसार अदालत शीला के हस्बैंड जॉन डिसूजा को शीला का कातिल करार देते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और नरसिम्हा को बेगुनाह करार देते हुए बाइज़क बरी करती है। नरसिम्हा जिंदाबाद, नरसिम्हा जिंदाबाद, नरसिम्हा जिंदाबाद, नरसिम्हा जिंदाबाद, नरसिम्हा जिंदाबाद, नरसिम्हा जिंदाबाद। वाह भैया वाह। अफसर, अपनी हार और मेरी जीत पर जरा सैल्यूट तो ठोक दो। अरे भाई, तुमने फर्ज निभाने के जोश में एक जहरीले सांप के बिल में हाथ डाल दिया। काली, सांप के तो सिर्फ दांत में जहर होता है, मेरी हर सांस में जहर है। मैं कानून का वो अजगर हूं जो डसता नहीं, निकल जाता है। एक दिन इसी अदालत के अंदर तुम्हें फांसी की सजा दिलवा के रहूंगा। कहा?
इस कोर्ट में हमें फांसी दिलवाओगे? अफसर, ये कोर्ट की सीढ़ियां देख रहे हो? ये मेरे लिए हारमोनियम की तरह हैं। जब इन पर मेरा हाथ पड़ता है ना, तो इनसे सरगम की आवाज गूंजती है, और जब इन पर मेरा पांव पड़ता है तो तकधिन की आवाज से ये सारी कोर्ट गूंजने लगती है, क्योंकि तुम्हारा कानून मेरी मुट्ठी में है। हारे हुए खिलाड़ी के मुंह नहीं लगते। चल छोटा, चल साले कुत्ता। कैसी हो तुम? लगता है अभी तक मुझसे नाराज हो। कोई बात नहीं, तुम भले मुझसे नाराज रहो, लेकिन मैं यहां आता रहूंगा। वार्डन। यस सर। दीपक को स्पेशल कैटेगरी में शिफ्ट कर दो। ओके सर। ओ हीरो, सो गए क्या? अरे नहीं नहीं। ये लीजिए खीर। आज हमारी शादी की सालगिरह है ना? अरे इसीलिए तो छुट्टी लेकर घर पे बैठा हूँ। मेरी साड़ी कैसी लगी? आहा, कितनी अच्छी है। और कलर कैसा है? बहुत ही अच्छा है। कहाँ से ली? कला निकेतन से। नहीं करता हूँ डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ बोलते हो तो। मेरे बाल खराब कर दिए, मेरा जूड़ा। मैं नहीं कर रहा हूँ, जाने माने ये कर रहा है ये। झूठ बोलते हो तो। ये हाथ मेरे काबू में नहीं है डार्लिंग। रुक जा रुक जा। ये हाथ मेरे काबू में नहीं है, जाने मन। अपनी शादी की सालगिरह पर मैं ऐसा कर सकता हूँ? आजा, 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 आजा। ले खीर खा, खीर खा, खीर खा ले, खीर खा मेरी बहन। अरे मेरी डार्लिंग, खीर खा। अरे यार, मरवा देगा तू। उधर खीर गिरा दी। ये ये ये, आजा ये ये। क्या हो गया है तुम्हें? दीपा, लाओ रिवॉल्वर मुझे दे दो। नहीं, हैंड्स अप। मूव। स्टॉप इट! रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ड्रॉप द गन। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इनको गोली मार दूंगी। चलो। बंदूक नीचे करो। इसे दरवाजा खोलने के लिए बोलो। बोलो। हद होगी दीपा, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं दीपा, तुम्हें मालूम है ये किस लिए आए हैं? मुझे मालूम करने की कोई जरूरत नहीं, पहले दरवाजा खोलने के लिए बोलो, वरना मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ओह नो, डोंट शूट। नो, आगे मत बढ़ना, इसे दरवाजा खोलने को बोलो। दीपा,
वरना मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। कूल डाउन दीपा। बोलो। What the hell you have done? Go and call the doctor. आपको अचानक मुझ पर रहम क्यों आ गया? दीपा मैं जानता हूं तुम्हें कानून से बहुत चिढ़ है, लेकिन कानून वाले इतने जालिम भी नहीं जो तुम समझ रही हो। समझने या ना समझने से मुझे क्या मिल जाएगा? सवाल कुछ मिलने या खोने का नहीं, सवाल न्याय और अन्याय का है, धर्म और अधर्म का है। तो फिर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? इसी अन्याय के लिए तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो, लेकिन तुम्हें निर्दोष साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है, और उस सबूत तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। देखो दीपा, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें जेल से जरूर रिहाई दिला दूंगा। आपकी बातें मेरे लिए मंदिर में पढ़े जाने वाले उन मंत्रों की तरह हैं, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी हम ये जानते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए हैं। इसलिए आज के बाद मैं आपकी बातों पर यकीन करूंगी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। गुड दीपा, वेरी गुड। मालूम हुआ कि आज मेरा जन्मदिन है? देखो दीपा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जान लेता तो जेल से तुम्हारी रिहाई की जिम्मेदारी क्यों लेता? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ। हाँ, वन मोर गुड न्यूज फॉर यू। तुम्हारे केस से ताल्लुक रखने वाले चार गुंडे होटल पैलेस में ठहरे हैं, और उनके पास वो फाइल है जिसे सीबीआई ऑफिसर शर्मा ने तैयार किया था। दीपा, उसी फाइल में तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह वो फाइल तो वहां से ले आओ। मैं? हाँ, वो क्या है कि वो लोग मुझे पहचानते हैं, मुझे देखते ही वहां से भाग जाएंगे। तुम्हें तो उन्होंने कभी देखा नहीं, इसीलिए तुम्हें भेज रहा हूं। और हाँ, किसी किस्म का खतरा महसूस करो तो पैलेस होटल के बैक डोर से बाहर निकल आना, मैं गाड़ी लेकर वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अरे हाँ दीपा, ये तोहफा तुम्हारे लिए बहुत लकी है, होटल जाते वक्त इसे अपने साथ ले जाना।
मैंने आपको बड़ा रहम दिल समझा था, मगर आपके सीने में थोड़ा सा भी दिल नहीं है। कैसे इंसान है आप? जेल से निकालकर मुझे मौत के मुंह में ढकेल देना चाहते थे। आपने मुझसे वादा किया था कि वहाँ गाड़ी में मेरा इंतजार करेंगे। ऐसा क्या हुआ? मगर वक्त आया तो भाग निकले। मैं बताओ तो सही, क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? गुंडों से मारपीट करनी पड़ी, अपनी जान हथेली पर रखकर ये फाइल कैसे लेकर आए हो? अरे तेरी, मेरा दिल चाहता। अरे दीपा देखो, ये तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पास हो गई। इम्तिहान? हाँ, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी चालाकी और तुम्हारी जांबाजी का इम्तिहान था। ये तुम पर मेरे विश्वास का इम्तिहान था। वो आदमी जो तुम पर हमला करने के लिए भेजे गए थे ना, सब हमारे डिपार्टमेंट के लोग थे। और ये फाइल, ये भी नकली है। क्या मतलब? मैं जानना चाहता था कि गुंडागर्दी किस दौर में, अगर तुम्हारा सामना गुंडों से हो जाए तो तुम अपनी हिफाजत कर सकोगी या नहीं। यू आर टेरिफिक, यू आर सिंपली सुपर्ब। अरे हाँ, एक और सरप्राइज तुम्हें देना भूल ही गया। क्या है? डरो नहीं, तुम्हारी जमानत होने वाली है और तुम जल्दी आजाद हो जाओगे। थैंक यू। दीपा कहाँ है? दीपा भी जेल में है, क्योंकि उस पर इल्जाम है कि उसने होम मिनिस्टर साहब को ब्रीफकेस में बम रखकर उड़ाने की कोशिश की थी। Congratulations. How are you? Fine, sir. दीपा, आज तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हें एक ऐसे खतरनाक चक्रव्यूह से गुजरना है जहां हर मोड़ पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अपने दिमाग, अपनी जबान, अपने गुस्से पर काबू रखना। मुझे पूरा भरोसा है दीपा कि तुम हर इम्तिहान में पूरा उतरोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक
थैंक यू सर। भागन मेरी छोटी बहन गुड्डी थी और वो जर्नलिस्ट विजय जिसका कत्ल हुआ था वो मेरा बहनो ही था। इस केस के सिलसिले में मैं होम मिनिस्टर से मिले गया क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि तुम निर्दोष हो। मैंने होम मिनिस्टर से तुम्हारी जमानत की रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने अपनी बहन का वास्ता दिया और वो तुम्हें रिहा करने पर रजामंद हो गए। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि जब तक उनके कातिलों को मैं फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा देता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। कमिश्नर साहब, मैं आज आपको दुखी देखकर मैं अपना दुख भूल गई। मैं वादा करती हूं कि उन कातिलों को पकड़ने में मैं आपका साथ दूंगी, बिलीव मी। थैंक यू दीपा। हेलो, बोलिए। आज कालीचरण का जन्मदिन है जिसे मनाने के लिए दुनिया भर के गुंडे आने वाले हैं। हो सकता है जिस गुंडे की आपको तलाश हो वो गुंडा भी उस महफिल में शामिल हो। ओके सर। दीपा नहीं, रूपा है। दीपा, ये क्या कह रही हो? मैं राजा हूं। मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। असली जानने के लिए मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आज अचानक तुम मुझे मिली हो और पहचानने से इनकार कर रही हो। पहचानो मुझे दीपा, मैं तुम्हारा राजा हूँ। कहा ना, मैं दीपा नहीं, रूपा हूँ। I'm sorry. राजा, मैं मजबूर हूँ। बहुत दिनों के बाद तुम मिले और तुमसे मैं तो प्यार भरे बोल भी नहीं बोल सकी। मुझे माफ कर दो राजा। I love you, राजा। I love you। भैया, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि दीपा को खत्म कर देते हैं लेकिन आपने कहा था कि छोटा सा दिमाग बड़ी बड़ी परेशानियां हल कर सकता है। आपने एक तीर से दो शिकार करने की बात कही थी कि कमिश्नर को सपोर्ट करने वाला होम मिनिस्टर भी खत्म हो जाएगा और उसके कत्ल के जुर्म में दीपा जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। भैया, ना तो होम मिनिस्टर मरा और दीपा भी जेल से बाहर आ चुकी है। भैया, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। दीपा के जेल से बाहर आने के पीछे
जरूर किसी का हाथ है। छोटे, दीपा पर कड़ी निगरानी रखो ताकि हम जान सकें कि उसका अगला कदम क्या है। दस का बीस, बीस का तीस, 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 दस का बीस। पकड़ लिया ये मटके वाली। अरे तूने ये भी धंधा शुरू कर दिया, ब्लैक में टिकट बेचती है। अरे नहीं नहीं साहब, आज डीएसपी साहब फैमिली के साथ पिक्चर देखने आ रहे हैं ना, उनके लिए अपने टिकट लिया है। डीएसपी साहब अपने परिवार के साथ पिक्चर देखने आ रहे हैं? अच्छा मौका है प्रमोशन पाने का। लाओ टिकट दो, टिकट दो। अपुन ने 300 रुपए दिए ले। 300 रुपए? 250 और दो ना जल्दी से। अरे बहुत कड़क हवलदार हूँ मैं, अंदर कर दूंगा। ये ले पैसे ले और टिकट दे। दे, चल भाग। सलाम मिलो। भाग। इंस्पेक्टर बन जाऊंगा मैं, प्रमोशन। सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डीएसपी साहब का इंतजार कर रहा हूँ, वो पूरे परिवार के साथ पिक्चर देखने आने वाले। 300 रुपए में मैंने टिकट खरीदी है। सर पिक्चर शुरू हुए तो 1 घंटा हो गया है। क्या? अगर डीएसपी साहब यहाँ आएंगे ना तो सिर्फ रेट डालने आ सकते हैं। 1 घंटा हो गया? हाँ। लगा गई वो मटके वाली 300 रुपए का चूना लगा गई। अरे यार ये काम, ये टिकटें तू ब्लैक में बेच दे, 300 के 400 में बेच दे। सर मुझे ब्लैक करना नहीं आता। चल भाग। तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा। 20 का 10, 10 का 5, 5 का 2, 20 का 10, 10 का 5, 5 का 2, 20 का 10। अरे भैया लो 5 का 2 में टिकट लो, कोई तो लो। अरे यार कोई तो लो भैया, टिकट 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 टिकट। 20 का 10, 10 का 5, 5 का 2। डीएसपी साहब आप, आपका परिवार नहीं आया? तुम यहाँ ड्यूटी करने आए हो या टिकट ब्लैक में बेचने के लिए आए हो? स्टूपिड। नहीं सर, मैं टिकट ब्लैक में कहाँ बेच रहा हूँ, मैं तो टिकट व्हाइट में बेच रहा हूँ। 20 का 10, 10 का 5, 5 का 2। शट अप। तुमने मुझे मारा। अरे रुक जा भाई, ये हाथ मेरे हाथ पे मिली सर। क्या करता? फिर मारा, फिर मारा। यू आर सस्पेंडेड। आपने क्या नंबर बताया गाड़ी का? MRF 1499। मैडम उस गाड़ी के ओनर का पता है सूरज विला 36 पाली हिल मुंबई 50। थैंक यू। सलाम साहब। हाँ? कौन है तुम? टेलीफोन साफ करने को आई। करो करो। ठीक है सर, सलाम। अरे बड़े भाई पाए लगो। जीते रहो। ऐसे हो? मजे में हूँ भाई साहब। क्या खबर लाए हो दीपा की जेल से? बैठ जाओ। भाई साहब दीपा अब जेल में नहीं है, वो बाहर आ चुकी है। ये तो हमें छोटे ने बताया, लेकिन वो आई कैसे? उसे तो उम्र कैद हो चुकी थी। वो ऑफिसर है ना करण सिंह, वो बार बार जेल में आया करता था। उसने बाद में दीपा को जेल में पूरी ट्रेनिंग वगैरह भी दी और बाद में उसकी जमानत करवा के उसे कहीं ले गया। मुझे लगता है भाई साहब ये दोनों मिलकर आपके खिलाफ कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। अब साजिश तो सारा हिंदुस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है। कानून है कि अपने कंधे पर बंदूक लिए घूम रहा है। नकाली चरण खत्म हुआ है और नकाली चरण की गुंडागर्दी। मगर हमसे थोड़ी सी भूल हो गई, विजय के साथ साथ उन नेगेटिव्स को भी खत्म कर देना चाहिए था। कौन सा नेगेटिव भाई साहब? वही नेगेटिव जिसकी तस्वीर लेकर विजय अखबार में छपाने की जरूरत कर रहा था। वही नेगेटिव जिसे हासिल करने के लिए छोटे ने विजय का खून किया था। इस वक्त वो नेगेटिव कहाँ है? मालूम नहीं। उस दिन विजय का सारा घर छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। हो सकता है उसकी प्रेस में हो। जाओ तुम जाकर उसकी प्रेस की तलाशी लो। अब उन नेगेटिव्स का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। We'll be right back.
दे दे चल। नेगेटिव। किस तरह भागती रहोगी? कब तक मुझसे अनजान बनी रहोगी तुम? तुमने होम मिनिस्टर को बम चढ़ाने की कोशिश क्यों की? तुम तो एक मामूली से कॉकरोच से डर जाया करती थी, इतनी हिम्मत तुम्हें कहां से आ गई? सच्चाई मैं बताता हूं, सच्चाई यह है कि शहर के गुंडों ने इस मासूम लड़की को कानून की नजरों में गुनहगार साबित करके उम्र कैद की सजा दिला दी। मगर वो होम मिनिस्टर का खून, वो साजिश थी, दीपा को जेल भिजवाने की साजिश। वो चाहते थे किसी तरह दीपा को मुजरिम करार दे दिया जाए और मेरे बहनोई की मौत का सबूत खत्म हो जाए। देखो मिस्टर राजा, मेरे पास दीपा के सिवा कोई जरिया नहीं था, कोई सबूत नहीं था कि मैं इस मामले की तह तक पहुंच सकता। इसीलिए मैंने मिनिस्टर साहब से दरखास्त की कि दीपा को छोड़ दिया जाए ताकि मैं इस मामले की तह तक पहुंच सकूं। अब यही मेरा लक्ष्य है कि देश के कोने कोने से गुंडागर्दी खत्म हो जाए, नामो निशान मिटा दूं इन गुंडों का। कमिश्नर साहब, आप दोनों के इस जंग में ये सिपाही भी आपके साथ हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत खूब, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए अफसर? मैं रास्ता नहीं भूला, जो रास्ता तुम भूल गए हो वो तुम्हें बताने के लिए आया। कौन सा रास्ता? जो जेल की दीवारों में खुलता है। अरे छोड़ो, कानून हमें फांसने के लिए रोजाना 10 रास्ते बनाता है और हम उससे निकलने के लिए 100 रास्ते बनाते हैं।
मगर आज मैं तेरे हर रास्ते पर ताला लगा कर आया हूँ। क्यों, रातों रात सरकार ने कोई नया कानून पास कर दिया है क्या? सरकार ने नहीं, मैंने पास किया है। ले देख। कहा था ना मैंने, बहुत जल्द तेरे नाप की हथकड़ी लाऊंगा। नरसिम्हा जी, हमने भैया बाबू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नेगेटिव्स करण सिंह के पास हैं, जिसमें भैया बाबू ने मिनिस्टर का खून किया है। अगर कल सुबह तक अदालत में पहुंचने से पहले हमने वो नेगेटिव्स हासिल ना कर लिए तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें फांसी भी हो सकती है। इसके नेगेटिव हैं सर। अब इस सबूत के बलबूते पर कालीचरण को हर हाल में फांसी होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, उसे जरूर फांसी होगी। थैंक यू सर। क्या हुआ, राजा आया नहीं है? बस वो आते होंगे। आज से तुम आजाद हो गई हो। थैंक यू सर। मैं जरा वो वकील से मिलकर आता हूँ। जी। कमिश्नर साहब, वो आदमी कालीचरण का भाई नरसिम्हा मुझे मारकर नेगेटिव फोटो ले गया है। कालीचरण के भाई नरसिम्हा ने कोर्ट रूम में घुसकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मारपीट की और उसे वो नेगेटिव्स और फोटोग्राफ छीन कर ले गया जो कालीचरण के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। जज्जाम, 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 गजब हो गया। क्या हुआ सर? कालीचरण को कोर्ट में ला रहे थे, उसके आदमियों ने पुलिस पे हमला करके उसे ले गए सर। कालीचरण के गुंडों ने कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर हमला करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है और कालीचरण के गुंडों ने पुलिस पर हमला करके जुर्म किया है, इसलिए ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि कालीचरण और उसके भाई नरसिम्हा को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाए। इस तरह क्या घूम रहा है? सोच रहे कि तू यहां कैसे पहुंच गया? मैं बताता हूं, मेरे पुलिस के आदमियों ने गुंडे बनकर तुम्हें अगवा किया और यहां लाकर बांध दिया। समझाई बात? तू समझता था नरसिम्हा के जरिए नेगेटिव्स चोरी करवा के बच निकलेगा कोर्ट से? ना 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 ना, हम भी बाजी खेलना जानते हैं, तुझे महंगी पड़ी तेरी बाजी। शाबाश, तुम भी हम जैसे क्रिमिनल बन गए।
हीरे को हीरा काटता है। तूने सोचा होगा नरसिम्हा के जरिए नेगेटिव्स गायब करवा के तू बच निकलेगा और तुझे छोड़ देगी। ना 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 ना, मैंने तुझे अपने जाल में फंसा लिया है। कातिल दरिंदे, मेरी बहन का सुहाग उजाड़ने वाले, मैं चाहूं तो तुझे अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं कानून का महाफिज हूं। कानून तुझे सजा देगा, बहुत बड़ी सजा देगा। अफसर, तुम मुझे यहां बांधकर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। अभी मेरा भाई नरसिम्हा जो इंद्रजीत है यहां आ गया तो तुम्हारी समाधि बना देगा। चल! सर, यही है वो आदमी जिसने उस दिन हार्ट पेशेंट बनकर मुझे बॉम्ब से भरा ब्रीफ केस दिया था, और विजय का कातिल भी यही है। यही है तेरा इंद्रजीत? ये तो तुझसे भी क्या गुजरा है, अब कोई और आने वाला है? कमिश्नर साहब, मैं इन दोनों को खत्म करके अभी दीपा की रिहाई का बंदोबस्त करता हूं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं चाहता तो इन्हें कब का खत्म कर देता, लेकिन मैं इन्हें कानून के हवाले करूंगा, ताकि जनता भी देख ले कि कानून इनका क्या हश्र करता है। Thank you.
कालीचरण और नरसिम्हा यही है वो कमीने मक्कार जिन्होंने मुझे होम मिनिस्टर को बॉम्ब से उड़ाने की गंदी साजिश का शिकार बनाया था। जज साहब, हम देश के जवान जब सरहद पर देश की रक्षा करते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन जब तक ऐसी गुंडागर्दी चलती रहेगी हमारा देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। गुंडागर्दी की आड़ में कई लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले कालीचरण और नरसिम्हा को दफा 302 और 307 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। मिस दीपा का होम मिनिस्टर की हत्या से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए ये अदालत दीपा को बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है।